अब भाई रोक को भी खुला छोड़ता हूँ, पट्टे के साथ ही खुला छोड़ दूंगा। रुक, अभी तक इसने स्पीड नहीं दी, दे दी दे दी दे दी स्पीड दे दी। रोक के साथ आज एक प्रैंक करते हैं छोटा सा, रोक को यहाँ पे पकड़ लेंगे, मैं बाइक को लेकर चले जाऊंगा आगे कहीं दूर, फिर देखते हैं। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल टिकटॉक चैनल। व्लॉग स्टार्ट होते सबसे पहले अपने छोटे पप्पी को दिखाता हूँ क्या कर रहा। वो बैठी सामने अपने छोटे से घर में, शाम के टाइम इसका छोटा सा घर बनाया था यहाँ पे। आजा भाई आजा, बाहर आजा, निकल गए। सारे के सारे डॉग्स भी आ गए मेरे पीछे, ये देखना भाई लाइन लगा के आगे सारे सारे चेक कर रहे। लो भाई अभी ना देख कब बाहर आ गई, वो आ गई कूद कब बाहर। वैसे भाई मैं मेन ब्लैकिंग के साथ दोस्ती करवाने के लिए लाया था, ब्लैकिंग पप्पीज के ऊपर एग्रेशन करने लगा था ना, क्या पता पप्पीज को लेकर थोड़ा एग्रेसिव हो जा, इसीलिए इसके साथ रह के थोड़ा सा फ्रेंडली बन जाएगा वो। रोक का सभी को पता पप्पीज का कितना ज्यादा लगाव करे, बिल्कुल इसी के पास खड़ा हो गया। बाकी सारे सारे डॉग्स पीछे खड़े होकर देख रहे। इसे छोटी सी को अपनी मम्मी की याद आ रही होगी, रात के टाइम टीम टीम की तरह पूरा परेशान करा से अभी। और कहीं से छोटी सी फीमेल सेल के लिए आया, अगर किसी को लेनी हो ले सकते हो, अभी तो सेल के लिए आया नहीं, तीन चार दिन के बाद दूंगा। अभी कुछ दिन इसे ब्लैकिंग के साथ रखूंगा, ब्लैकिंग फ्रेंडली हो जाएगा इसके साथ। ब्लैकिंग ने जब से टीम टीम के ऊपर अटैक करता मुझे डर हो गया था, क्या पता पप्पीज के ऊपर अटैक करना ना सीख जाए। वैसे भाई इसकी छोटी सी की क्वालिटी बढ़िया है, बिल्कुल पंच फेस में है, ये देखना भाई। वैसे तो अभी छोटी है, थोड़े दिन बाद बढ़िया क्वालिटी आ जाएगी इसकी निकल के। अब भाई एक बार इसे जूली के पास और छोड़ कर देखता हूँ। वैसे भाई जूली को अटैक तो करन नहीं देने का, एक तो रोक हो गया इसके पास कुछ, भाई मैं भी अटैक नहीं करने दूं। दूर से ही देख रही जूली, जूली ने टीम टीम के ऊपर अटैक कर दिया था ना, क्या पता इसका भी काट ले। जूली और रोक्सी के पप्पीस होने वाले ना, इसीलिए इनका नेचर थोड़ा चेंज हो रहा, पप्पीस के ऊपर एग्रेशन वगैरह कर दे, थोड़ा सा सेफ्टी के साथ ही मिलवाना पड़ेगा इनसे। तो जूली तो बिल्कुल ऐसी लग रही जैसे तीन चार दिन में पप्पीस देगी। तो कई सभी अपनी छोटी सी को वापिस इसके घर में बैठा दिया, छोटा सा घर है इसका, हरा हुआ हेलो मिला रही और बेटे के खेलने कोशिश कर रही। वैसा भाई छोटे छोटे पप्पीस लग गया क्यूट, बस भाई अब तो जल्दी से हमारी जूली के और रोक्सी के पप्पीस आ जा, रहा नहीं जाता। छोटे पप्पी को बाहर लेकर आ गया, हल्की हल्की धूप आ गई थी, रोक के पास बैठ जाएगा। तो कई सभी रोज की तरह अपना छोटा पैकेट आ गया, बट भाई इसके आते ही इसे छोटी सी को अंदर बंद कर दिया, क्या पता इसका लात वात मार दे। इसका मन तो कर रहा बाहर आने का, बट भाई बाहर नहीं बुलाता कभी, कोई से इसका लात वात मार के बेचारी दूर जाकर पड़ेगी। और गाइस अपने जोरा की गर्दन अब ठीक होगी, बस यहाँ पर बाल आने रहेगी, बाकी बिल्कुल ठीक होगी। ब्लैकिंग पीछे से भोकल लग रहा है। हाँ छोटी सी बाहर निकाल दो, बाहर आओगी नू कह रही, बस एक बार बाहर निकाल दे ना, इसी के अंदर रह तू। बाहर निकाल ही दिया, बाकी सारे के सारे डॉग्स दूसरे वाले छत पर जा लिए। रोक तो आ लिया सामने से भागा भागा, रोक तुरंत आ गया पप्पी को देखते ही। और एक से देखो सिम्बा को सोता सोता भी गार्डिंग कर रहा है, एक नजर इस साइड को है, एक नजर गली में है बाहर, कोई आ जा तो नहीं रहा। तो कई शाम होगी और कई साथ काफी देर से ब्लैकिंग के साथ खेल रहा था, ये खिलौना पा गया पीपी वाला, इसके साथ ब्लैकिंग का पूरा कैडे वाला रिएक्शन आ रहा था। हाँ ब्लैकिंग अब भी मेरी तरफ को देख रहा, नीचे हो रहा पकड़ा, लो कह रहा बस एक बार पकड़ा पकड़ा दे, बार बार जंप लगा रहा। और कई काफी लंबे लंबे जंप मार लगा, अब तो जैसा रेड किंग उछला था ना बिल्कुल सेम ऐसे ही। इच्छा था इन्हें लेकर, मेरे साथ तो पूरी की पूरी गैंग हो रही, खेत में जाने को रेडी। अरे कौन कौन चलोगे? जूली, कोको, जोरा, रोकू, सारे के सारे चिपट रहे। अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, दो मिनट तो रुक जा, रोक तो बार बार मेरा लात ही मार रहा। वैसा भाई साहब एक साथ ले जा तो सकता नहीं, रोक को ही लेके जाऊंगा, चिंटू तो खुद ही आ जाएगा, चिंटू और जूली। शायद सामने से आ गया मैक्स, अरे गेट बंद कर दो गेट बंद कर दो। तेरी रोक के साथ उस दिन दुश्मनी होगी थी ना, ताले को बम से उड़ा दूंगा। रोक को बांध लिया, अब कोई दिक्कत नहीं है, बांध के मिलवाऊंगा। मैक्स के ऊपर रोक तो एग्रेशन कर नहीं रहा, बट भाई चिंटू का बच्चा एग्रेशन कर रहा, यो बीच में लड़ाई करवा सके। चिंटू बस मान जा, वैसे तो रोक के साथ दोस्ती हो जाएगी, बट भाई चिंटू होने जब तो पहली बार छोटे पैकेट ने इसके साथ करवा दी थी, इस बार चिंटू करवा देता। तो गाइस अब एक काम करते हैं, मैक्स को कैनल के अंदर मिलवाऊंगे, चिंटू को भेज देंगे बाहर। और गाइस सामने कोको को देखो, इसने कितनी जल्दी ग्रिप लगाई। कोको का तो फेवरेट काम ग्रिप लगाने का है, ऐसा नहीं फर्क पड़ता खेत में जा रहे या फिर खेल रहे, बस सारे दिन इस पर ग्रिप लगवा लो। कोको चल पुदक का दिखा, गोल गोल घूम का दिखा, चल चल 1 2 3। अरे गिर गई बेचारी, 1 2 3। ओहो फिर से रहेगी, 1 2 3। ए गई गई गई, पकड़ ली इस बार तो। शाबाश बेटा। अब भाई रोक को भी खुला छोड़ता हूँ, पट्टे के साथ ही खुला छोड़ दूंगा। अरे अरे सीधा बाहर की तरफ को भाग गया, मैक्स की तरफ को नहीं गया अभी तक, जा लिया। कोको की तरफ को गया, मैक्स की तरफ अभी ध्यान नहीं है उसका। वैसा भाई अच्छा ही है, इसका ज्यादा ध्यान नहीं है, कुछ भाई सा घूमने की लग रही है, इसका घूमने का टाइम हो रहा था ना। अरे 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 कौन कर रहा है, प्याऊ प्याऊ सामने को कोई कर रही, प्याऊ प्याऊ जा लिया भाई, जा लिया उसके पास जा लिया, बट भाई वो लड़ने के मूड में नहीं है। रोक हट जा, बस हट जा, हाँ तो गया था मूड सी में, नहीं नो मत रुक। लो भाई सुना तो एक झटके में पकड़ लिया उसका, वो तो भाई शुक्र है मैंने से धमका सी दिया, पीछे हट जा, लोग तो लगाया सुना, बट भाई तुरंत हट गया एक झटके में, देखे कहीं दांत वात तो नहीं लगा। एक से देखो कोको की, ये दोनों यहाँ लड़ रहे, इसे फर्क नहीं पड़ रहा, यह ग्रिप में लगी पड़ी जब से, लगा तो नहीं दांत, वैसे तो भाई पकड़ा नहीं, लगा तो नहीं, देख ले फिर भी अच्छे से। रोक के बच्चे ये उल्टे पुलटे काम ना कर। और गाइस एकदम से जा लिया, पहले तो नॉर्मली आगे पीछे घूम रहा था, एकदम से भाग गया।
नेक्स्ट तो डालिया, अब रोक को निकालता हूँ बाहर। रोक को अंदर बंद कर दिया था, पहले तो बिल्कुल नॉर्मल घूम रहा था, एक बार इस साइड को एक बार इस साइड को, एकदम से मूड सा बदल गया इसका। दो तीन बार मेरे धमकाने से हटा भी, बट भाई लास्ट में जाके इसने अटैक कर दिया, बिल्कुल एक सेकंड में लो कटवा दिया, वरना भाई दिक्कत हो जाती बहुत ही ज्यादा। अब भाई थोड़ी बहुत देर में घूमना लेके जाऊंगा। तो गाइस आ गया फाइनली रोक को लेकर खेत में, पीछे पीछे चिंटू रे सरा लग रहा रेस करता हुआ। देखना भाई कैसे जा रहा है, मटकता मटकता। और गाइस बाइक पे लेकर आया था, रोक को थोड़ी आगे लेकर चलूंगा। बस रोको, बस चुप हो जा, रोक नु कह रहा मुझे भी नीचे उतार दो। तो गाइस अभी रोक ज्यादा ही चिल्ला रहा था, छोड़ दे नीचे छोड़ दे। रोक की भी चिंटू के साथ हल्की हल्की रनिंग करवाता हूँ, एक बार टॉयलेट वगैरह कर ले, फिर इसकी भी हल्की हल्की रनिंग करवाता हूँ। रोकू रनिंग करागा, बैठना ना रनिंग करनी, इसे तो बैठने की लगी। तो गाइस अभी रोक को दोबारा से नीचे उतार दिया। क्या कह रहा, हिंदी में बोल, हिंदी में कुछ समझ नहीं आ रहा, शायद कह रहा रनिंग करवा। यूँ कह रहा भाई प्रॉपर बैठा ले, बट भाई इसकी रनिंग करवाऊंगे। लो भाई भाग के दोनों के दोनों आगे आगे, रोक भी और चिंटू भी। चल बेटे रोक, बहुत अच्छे, अभी तक इसने स्पीड नहीं दी, दे दी स्पीड दे दी। तो गाइस अभी बाइक को रोक ही लिया, रोक बार बार बाइक का आगे से आ रहा था, क्या पता चोट वोट लगवा ले, बट भाई अब कोई दिक्कत नहीं है, काफी आगे लेकर आ गए। यहाँ पे डॉग्स वगैरह बहुत ही कम मिले, जो मिले भी बिल्कुल जंगली रहने के हाथ नहीं आते। रोक की जितनी भी फाइट हुई गांव के पास ही हुई, जब मैं सागा को लेकर आ जाऊँ, यहाँ के डॉग्स बिल्कुल एक्सपर्ट रहे भागने में, वे पहले ही ना देख कर भाग जाने के हाथ नहीं लगते। और गाइस कल को रोक को दोबारा से मिलवाऊंगा मैक्स है, बट भाई इस बार अपने घर नहीं मिलवाने का, जहाँ पे मैक्स रहे वहीं पे मिलवाऊंगा, ना अपने साथ किसी और डॉग को लेकर जाऊंगा, स्पेशली फॉर चिंटू डॉन, यो करवा सारे पंगे चिंटू डॉन और छोटा पैकेट। और गाइस ऊपर आसमान में देखो, आज फिर सौ पक्षी एक जगह उड़ रहा, ना आगे बढ़ रहा ना पीछे बढ़ रहा, है कौन सी ब्रीड इसकी, थोड़ा जूम सा कर दो, शायद चील बाज है कुछ, कमेंट करके बताना अगर किसी को पता हो कौन सी ब्रीड है इसकी, अरे क्या बीमारी है इसकी, सारे दिन एक जगह उड़े जा। तो गाइस अभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा, रोक के साथ आज एक प्रैंक करते हैं छोटा सा, रोक को यहाँ पे पकड़ लेंगे, मैं बाइक को लेकर चले जाऊंगा आगे कहीं दूर, फिर देखते हैं अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चल भाई ठीक है, रोको बाय बाय, एक काम करिए ठीक, पांच मिनट में छोड़ दिए। जो चिंटू का बच्चा पकड़वा सका, चिंटू चलेगा मेरे साथ साथ, चिंटू मेरे साथ का जा रहा, भागा भागा पीछे, रोक हो रहा होगा बिल्कुल परेशान। इस साइड को मोड़ता हूँ, इस साइड तो मुझे लगता नहीं आ पावे, हट जा भाई हट जा, इस साइड को नहीं आ पाने को, देखते हैं इस साइड आवे क्या, मुझे ढूंढता आगे जाकर छुप जाऊँ। ओए चिंटू तू कहाँ भाग गया, यो भाग गया पक्षी के पीछे, अरे वे ना तेरे हाथ आने वाले लुल्लू। सामने एक और मोड़ आ गया, इस साइड को मोड़ता हूँ, यहाँ तक तो बिल्कुल ही नहीं आ पावे, पता नहीं उसने छोड़ा होगा अभी तक या फिर नहीं, वो वापिस गाँव में ना भाग गया, वो उल्टा मेरी साथ ही प्रैंक हो जा, गाँव में जा लिया दिक्कत हो जाएगी कैडे वाली। हालिया हालिया हालिया, दिख गया मैं दिख गया, पहले तो बिल्कुल सीधा जा रहा था भागता हुआ, अभी से मैं दिख गया, वो हालिया मटकता। रोकू कहाँ जाता आग गए हैं भाई, कहाँ जाता, भागा यो हालिया, आ जा हाँ प्रैंक कर दिया मैंने तेरे साथ, देखना भाई कितना ज्यादा मासूम सा फेस बना रहा, कहाँ जाता तो आगा भागा पहले वो बिल्कुल सीधा जा रहा था भागता हुआ, फिर एकदम से पता नहीं क्या हुआ मेरी तरफ को मुड़ा और आ गया। यो नहीं भाई मेरे से कहीं भी दूर जा रहा, जहाँ मैं जा रहा वहीं जा के बैठ जा। रोकू प्रैंक हो गया तेरे साथ, रोकू नाक फोड़ दे मेरी, नाक में पंजा मार दिया। रोकू प्रैंक कैसा लगा है भाई, वो चाट दे मेरा, पहले तो मेरी नाक फोड़ दी, पंजा पे कुछ ज्यादा ही कड़ा मार दिया, खून आ गया, रोक के बच्चे नाक फोड़ दी मेरी, देखना भाई ब्लड आ गया हल्का हल्का, यो आ गया। और गाइस आपकी बाइक के ऊपर बैठ गया ना, देखना भाई कैसा कर रहा, बाइक को नु कह रहा कहीं नहीं जान देने का, बैठिए देखना भाई कैसा करेगा, नु कह रहा कहीं ना लेकर जा वैसे, अरे एक बार स्टार्ट करिए सर, थोड़ी सी आगे लेकर बाइक को, देखना भाई अब बिल्कुल आगे भी लौट सके, चिंटू भी आ गया पीछे से, अरे चिंटू इसी का ही बुढ़ के भर रहा। बस भाई रोक के साथ और ज्यादा प्रैंक नहीं करते, यो पहले से बेचारा दुखी हो गया, रोक को अब लेकर घर पे चलता हूँ, और ज्यादा प्रैंक नहीं करते, पहले तो उसने मेरी नाक फोड़ी, इस बार पता नहीं क्या फोड़ लगा। आते अपनी रोक सी मिल गई, और कई से रोक सी आजकल कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़ी होने लगी, बाहर आते जाते लोगों के ऊपर एग्रेशन करने लगी, वैसा भाई काटती वाटती तो है नहीं, बट भाई भोकल लगी। और गाइस आज के बोलो एंडिंग यहीं पे करता हूं, वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें, और गाइस लास्ट में सब्सक्राइब और कर देना, सिंबा बोकरा।